हेलो गाइस, सो आज मैं फिर से आपके सभी के सामने आ गई हूँ एक व्लॉग लेकर। और ये इस व्लॉग में मैं अपना लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ आप सभी को। और अभी बजा है सुबह के 9:30, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज ऑफिस नहीं गया है मेरा हस्बैंड, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट से ही उठी हूँ। सो अभी मैं जाऊंगी चाय बनाने, मैं चाय पीऊंगी। हस्बैंड तो चाय नहीं पीता है, सो मैं चाय पीऊंगी और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। सो टिल देन हम लोग के साथ जुड़े रहिए, बाय। सो गाइस, मैं अभी बनाऊंगी चाय, सो चलिए। सो गाइस, नाउ आई एम रेडी विथ माई मिल्क टी। दिस इज माई मिल्क टी एंड विथ बिस्किट। सो गाइस, अभी मैं पीऊंगी चाय और करूंगी थोड़ी देर आपके साथ बातें। तो हियर इज माई टी एंड टी पीते पीते चलते हैं, करते हैं थोड़ी बातें। तो कैसे हो आप सभी लोग? कुछ दिन आप सभी के साथ मतलब कैमरा में बात करते करते मुझे आदत सा हो गया है आप सभी के साथ बात करना। और ये टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, मुझे अच्छा लगता है बात करना आप सभी के साथ। और मेरे साथ कौन कौन चाय पी रहे हैं ये भी मुझे बताना। आज मुझे थ्रेडिंग करवाने भी जाना है क्योंकि मेरा आईब्रो बहुत बहुत ही बढ़ चुका है, तो आज मैं जाऊंगी थ्रेडिंग करवाने। आज बहुत काम है घर में, मुझे अभी चाय पीने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मुझे एक सेकेंड तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मुझे जाना है थ्रेडिंग करवाने। खाना है ब्रेकफास्ट फर्स्ट, देन थ्रेडिंग करवाने जाना है। आफ्टर डूइंग दैट मुझे घर आना है, मुझे थोड़ा क्लीन करना है, रूम बहुत मेस हो रखा है तो मुझे क्लीन करना होगा फर्स्ट, फिर देखते क्या बनाते हैं लंच में। सो टिल देन मैं चाय को फिनिश करती हूँ और एंजॉय करती हूँ चाय। आप सभी के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, रहिए मेरे साथ। सो गाइज, टुडे आई विल मेक अ सिंपल ब्रेकफास्ट। आई थिंक यू ऑल नो दैट एग टोस्ट। सो फॉर दैट आई नीड एग एंड ब्रेड, सो हियर इट इज। सो लेट्स स्टार्ट।
सो गाइस, हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, एक टोस्ट। सो अभी हम ये एंजॉय करेंगे, हम ये खाएंगे, मैं और मेरा हस्बैंड। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मेरा हस्बैंड आज ऑफिस नहीं गया है, तो आज हम लोग दोनों घर पे ही है। तो आज हम खा रहे हैं एक टोस्ट, और चलिए तो खाते हैं, आप सभी को खा के बताते कैसा हुआ है। बहुत ही यम्मी खाने में होता है, आप सभी को पता है ये। मतलब बहुत दिन से सभी लोग खा रहे हैं एक टोस्ट। ये बहुत आसानी से बन भी जाता है, इजी मेकिंग है, और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप सभी भी खाइए, सभी भी ट्राई कीजिएगा घर पे एक टोस्ट बनाना, सभी जानते ही होंगे। सो हम लोग ये एंजॉय करते हैं, तब तक तो आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं हमको दिखाएंगे, अभी हम लोग खाना खाएंगे फर्स्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आईब्रो करके वापस जा रही हूँ घर। आईब्रो मैंने कर लिया है, बहुत मैस हो गया था मेरा आईब्रो, अभी ठीक हुआ है फिलहाल। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, फिर बात करते हैं, बाय। हेलो गाइस, सो मैं मतलब आईब्रो करके आ गई थी घर पे। आके बहुत काम था, मुझे रूम क्लीन करना था, लंच बनाना था, सब कुछ करना था। तो मैं आप कुछ लोगों के साथ वो सब शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर हो गया था। तो मैं आके झट से लंच बना लिया, फिर रूम वूम क्लीन करके मैं थोड़ा नहा के मुझे आज हेयर भी शैम्पू करना था, तो मैं हेयर भी शैम्पू कर लिया है मैंने। और फिर नहा के मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने, और नहाने के बाद मुझे थोड़ा सजना सवरना पसंद है, तो एज यूजुअल काजल एंड लिपस्टिक मैं हमेशा लगाती हूँ, तो वो मैंने लगा लिया है। एंड अभी मैं लंच करूँगी, उससे पहले अभी मेरा हस्बैंड थोड़ा मतलब नहाने गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से आप कुछ देर बात कर लूँ। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने, तो अभी और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मैं बाद में दिखाऊंगी। मेरा हस्बैंड मेरे लिए मतलब कुछ लेके आया है मेरे लिए, वो मैं बाद में आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी। पर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लंच करना है, लंच करने के बाद मुझे जाना है मम्मी के घर, मतलब मम्मी पापा के घर, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब पापा ने बुलाया है कुछ काम के लिए, मतलब कुछ काम के लिए बुलाया है पापा ने, तो वहाँ पे जाना है। फिर आज मैं सोच रही कि वहीं पे रह जाऊंगी रात को, फिर टुमारो मेरा डॉक्टर के भी मतलब डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। मैंने कहा था कि मेरा बैक में प्रॉब्लम है, मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आया है MRI में, तो उसके लिए भी डॉक्टर के पास कल अपॉइंटमेंट है। तो मैंने सोचा कि आज रात वही रुक जाऊंगी, फिर कल मम्मी के साथ और पापा के साथ, या फिर पापा के साथ चली जाऊंगी, और हस्बैंड भी जाएगा शायद मेरे साथ। सो कल चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, दोनों डॉक्टर क्या कहेगा, क्योंकि मैं 10 दिन तक बेड रेस्ट थी, इसीलिए आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई, व्लॉग नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई 10 दिन तक। तो 10 दिन तक बेड रेस्ट थी, फिर मुझे और बेड रेस्ट नहीं रहना था, तो मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ बात करने, व्लॉग करने। फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया मेरा व्लॉगिंग, या फिर रेसिपी, या फिर मेकअप ट्यूटोरियल, ये सब। तो अभी डोंट नो क्या होगा, डॉक्टर क्या कहेगा। डॉक्टर ने अगर फिर कह दिया कि बेड रेस्ट करना होगा तो मैं गई, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि मैं एक दिन भी नहीं व्लॉग करके, नहीं कोई रेसिपी बना के, या फिर मेकअप करके नहीं दिखा के आप सभी लोग के साथ रह ही नहीं पा रही हूँ। मुझे हर रोज़ बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे वीडियो बनाना और आपके साथ सभी के साथ शेयर करना। तो ठीक है, बहुत बातें हो गया, चलिए अभी करते हैं लंच। तो लंच करके मैं दिखाऊंगी थोड़ा कि मैं लंच में क्या बनाई हूँ और मैं क्या खा रही हूँ, तो चलिए चलते। हेलो, सो आज मैं खा रही हूँ खाने में लंच में पापड़ा फिश, और हम बंगाली में बोलते एचोड़, एचोड़ का मतलब सब्जी एक होता है वो, और एक मतलब और एक भाजी, ठीक है। और आप जिन्हें देख रहे हैं वो है मेरा सासू माँ, ठीक है। तो सासू माँ अभी आई हुई है मेरे घर ऊपर, तो एक्चुअली नीचे सासू माँ रहती है, ऊपर मैं रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो अभी हम करेंगे लंच, तो लंच करने के बाद चलिए करते हैं आपसे बात, ओके बाय। सो मेरा लंच हो गया है अभी,
और मैं अभी एज आपको पता ही है कि मैं अभी जाऊंगी मेरे मम्मी पापा के घर। तो आज का वीडियो यही तक, ये था मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन। सो होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कि आपको क्या वीडियोज़ चाहिए। आपको आप लोगों को जैसा वीडियोज़ चाहिए होगा मैं वैसा करने की एकदम कोशिश करूँगी। और टिल देन टेक केयर, बाय।